माइक मेरी श्रीनगर मुंबई से बेइज्जती पड़ी तेरी चाय साथ में सत्तू अंकल गली के मशहूर है ना खैर ये पीर गली के मशहूर है ये तो सर्दी में ये जो ना मुस्टैंग जो है ना वो अलग ही लेवल की थी उसको 130 पे लेके जा सकता था इसको 100 से ऊपर ही लेके जाऊंगा। 7:24 पे जाके हमें ये हॉस्पिटल मिला ये देखो शिफा मेडिकल सेंटर बहुत मुश्किल से ढूंढ फिर से तो अभी यहाँ पे जो ना ठंड इतनी हो रही है ना सीधा मैं मतलब कम्बल के अंदर ही घुसने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग फिलहाल जो है ना घर से तैयार वारा होके शुरू हो रहा है बिकॉज कहीं पे जा रहा हूँ मैं। आज हमारा भैया बताएगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ उच्चे बोल छेड़े माइक मेरी श्रीनगर मम्मा से बेइज्जती पड़ी क्यों जा रहा हूँ काम है क्या हॉस्पिटल में काम चेकअप करवाना किसको मुझे टीट बाहर आ गया। सो एक्चुअली मैं मेरे वाले साहब है उनको चेकअप करवाना था इसलिए मैं श्रीनगर के लिए निकल रहा हूँ। मैंने जो पीछे वाले ब्लॉग में बताया था कि हम जम्मू गए थे वहां से कैंसिल हो गया था प्लान फिर यहाँ से अभी पता कि एक डॉक्टर आ गया है तो अभी जा रहे हैं फिलहाल। सो अभी फिलहाल 11:22 पे निकल रहे हैं और डॉक्टर ना आज शाम के 8 बजे तक बैठेगा तो देख लेट्स सी हम 8 बजे से पहले हॉस्पिटल के अंदर पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। 187 किलोमीटर है यहाँ से 6 घंटे का रास्ता बता रहा है लेट्स सी देखते हैं क्या होता है अपनी फरारी को लेकर चलते हैं। सो गाइस फिलहाल करते हैं पाकिजा को अलविदा पाकिजा को अलविदा करके 2 दिन के अंदर मिलते हैं हम। सो गाइस आई थिंक 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे 2 दिन के अंदर मिलते हैं ठीक है ओके बाय। सो भैया गए सो अभी ना मैं आपको पिछले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं गाड़ी बताने वाला हूँ कि गाड़ी कैसी हमारी दिख रही है पैकेट ऐसी कुछ है इधर तो ये थे हमारे कुछ भाई शायद सब्सक्राइबर थे तभी उन्होंने बोला भैया चेक मारो गाइस ऐसे कुछ लग रहे अजीब से लग रहे क्योंकि धोए हुए नहीं है भैया ने कल लेके गया था कहीं पे तो इसके लिए खराब हो गई थी तो बहुत ज्यादा शाइन मारते हैं ये वाले लाइफ। और बाकी कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है मुझे तो तगड़ी लग रही है एकदम मस्त वाली इस वाले लाइफ के अंदर। यहाँ से भी कुछ दिखा दो दूर से ऐसी कुछ लग रही है वो वाला साफ है थोड़ा ये वाला थोड़ा सा मिट्टी से खराब हुआ है कभी धोऊंगा तो फिर से अच्छे से दिखाऊंगा आपको। सो बाकी चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मम्मा कॉल कर रहे हैं हमारे साथ मेरे वालद साहब और मेरी मम्मा जा रही हैं तो वालद साहब को चेक कराना है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल का कुछ नाम था अल शिफा नाम का हॉस्पिटल है वहाँ पे निकलना है 8 बजे पहले पहुँचना देखते हैं क्या पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। बाकी वीडियो को लास्ट में जरूर देखना ग्रीनरी दिखाऊंगा रास्ते में मज़े से चलेंगे राम राम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं स्टार्ट अपनी प्यारी सी फरारी को बिस्मिल्लाह लेट्स गो होगी स्टार्ट। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुका हूं अंजुम भाई के पास और यहां से हमने फोन लिया शोएब भाई का ये चेक मारो ये आईफोन 16/17/18 प्रो है क्योंकि उसको जो है ना चाहिए था एक फिर मामू का था जिसकी गाड़ी हमने पीछे वाले व्लॉग में आपको देखा होगा ठीक ही थी। बाकी हमारे कुछ भाई है इधर अस्सलाम वालेकुम हमारा फर्स्ट ये सब्सक्राइब हमारा पहली बार व्लॉग में आ रहा है इत्तफा करो रोज इत्तफा करो रोज आना। सो अभी यहाँ से निकलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। सो गाइस अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं जड़ा वाली गली और ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जो ना 5-8 बजे से पहले श्रीनगर पहुंचना है 12:49 पे यहाँ तक पहुंचा हूँ मतलब यहाँ से आगे जो है ना अब रिफिल करवाऊंगा उसके बाद जो है ना फ्लैट वाले रास्ते पीर वाली गली वाले रास्ते से जाएंगे और मुझे लग रहा है वहाँ पे बर्फ भी मिलने वाली है चक्कर सामने पहाड़ों पर बर्फ भी है तो लेट्स सी देखते हैं बर्फ मिलती है नहीं मिलती है। बाकी मौसम मस्त हो रहा है एकदम तो मम्मा वहाँ पे कुछ मेडिसिन लेने के लिए वो लेते हैं फिर निकलते हैं आगे के लिए। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुका हूँ सुरनकोट और हमेशा यहाँ से रिफिल कराता हूँ अपनी गाड़ी को और यहाँ से 3000 का तेल डलवा लेते हैं आई थिंक 3000 में फुल हो जाने चाहिए लेकिन 3300 में होती है चलो देखते हैं कितना होता है। बाकी व्यू मस्त आ रहा है श्रीनगर देखने के लिए आपको मिलेगा नेचर देखने के लिए मिलेगा इस बार बोलूंगा कम नेचर ज़्यादा दिखाऊंगा क्योंकि मैं ड्राइव करूंगा मुझे जल्दी पहुंचना है तो नेचर को एंजॉय करना ओके करवाते हैं यहाँ से निकलते आगे। तो गाइस अभी फिलहाल जो है ना बफलैर वाली सड़क पे चढ़ चुका हूँ और मैं जो है ना फजलाबाद वाली साइड पे से आया हूँ दूसरी साइड रोड जाती है मैंने सोचा ये ठीक होगी इसका भी यही हाल है तो यहाँ से बफलैर से ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमें 1:30 हो गए इधर तो यहाँ से ऊपर तो 1.5 घंटा लगने ही वाला है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा खराब है चक्कर पूरे मतलब खड्डे ही खड्डे लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है।
सो फाइनली गाइस हम बफैज पहुंच चुके हैं, ये रहा सामने बफैज। और टाइम चेक करो, 2:02 पे इधर पहुंचे, मतलब एक घंटा शायद आधा घंटा पता नहीं कितना लगा यहाँ तक पहुंचे। पता रोड इतनी खराब थी ना कसम से, मत पूछो यार। सो बाकी यहाँ से आगे तो रोड मस्त मिलने वाली है, मुगल रोड, आराम से जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं हम 8 बजे से पहले पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। सो फाइनली गाइस खराब रोड को अलविदा करते हुए और चढ़ते हुए मुगल रोड पे। ये रोड बेटर है, इससे बेटर क्या, बहुत ज़्यादा बेटर है। ये रहा बफैज ब्रिज, आप आते हैं सीधा, शुक्र है अल्लाह कहीं सीधी रोड में घुसे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस नेचर इंजॉय करो आप। सो फाइनली गाइस चंडीगढ़ पहुंच चुके, 2:22 पे चंडीगढ़ पहुंचे। मतलब यहाँ से नीचे से तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा आने में यहाँ तक, इससे ऊपर भी थोड़ा कम ही लगेगा। एरिया एंट्री करवानी है चंडीगढ़ से ऊपर थोड़ा सा, तो वहाँ पे एंट्री करवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कम ही टाइम लगेगा। सो गाइस फिलहाल चंडीगढ़ बाजार से थोड़ा सा ऊपर आया था और यहाँ पे अपनी गाड़ी की हवा चेक करवा रहा हूँ, हवा कम है, गाड़ी चढ़ कम रही है, थर्ड गियर में 60 से ऊपर नहीं आ रही है, थोड़ा मतलब प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से मैंने सोचा 35 कर दो, कितनी है 35 कर दो, 35 करवा लेते, उससे बेटर रहेगा। तो हवा भरवाते फिर आगे के लिए चलते। तो गाइस अभी फिलहाल पहुंचने वाले हैं पीर की गली, लास्ट के जो 7 मोड़ है वो रह गए, मतलब 7 मोड़ जो यार इस वाली पहाड़ी से चढ़ने, ये ऊपर दिख रहा है यहाँ पे आ रही रोड वापस उस तरफ से टर्न हो गए 7 मोड़ों के बाद, मतलब यही होगा 5-6 रह गया पीर गली। तो टाइम चेक करो, टाइम क्या हो गया, 3:09 पे यहाँ पे पहुंचे, 1 लगा हमें, मतलब ये बेटर रहा। अब जो थोड़ी रोड खराब मिलने वाली है, बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पीर की गली, ये व्यू चेक करो, और यहाँ पे मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना, पूरा मौसम खराब हो रहा है और बर्फ हो रही है पहाड़ों पे। 3:28 पे इधर पहुंचे, इधर 2 का ब्रेक लेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर आगे के लिए चलेंगे, गाड़ी गई पे साइड लगाए तो। सो गाइस फिलहाल यहाँ पे जो है ना, पहले उधर जो घी चाय मिलती है वो भी पियेंगे, उसके बाद जो लपन चाय पियूंगा, सिर में दर्द हो रहा है। बाकी चेक कर लो यार, सर्दी इतनी हो रही ना कसम से, ठंड लग रही है एकदम ह्यूज वाली, नीचे गर्मी से फट से इस वाले मौसम में नाक ही बंद हो गया पूरा। तो पहाड़ों पे जो पूरी फोग आ रखी है, उधर देखो सारे बर्फ हो रखी है। इस मौसम में एक ट्रिप लगाने का मन कर रहा है इधर, ये ट्रिप नहीं थी, ये सिर्फ मजबूरी थी, तो मैंने आपको भी साथ में एंजॉय कराने के लिए ब्लॉगिंग। सो गाइस यहाँ पे पीते हैं चाय, चाय और सत्तू, अरे ये रही चाय साथ में सत्तू। अंकल सुकून है यार यहाँ पे, ये रही हमारी जियारत, और यहाँ से व्यू चेक करो कितना खतरनाक हो रहा है, इसको पी लेते हैं। सो गाइस फिलहाल यहाँ पे खा रहे हैं सीख, जो पीर गली की मशहूर है ना, है नहीं है? पीर गली की मशहूर है ये, और सर्दी में ये जो ना बहुत मजा आता है इसको खाने में, बस ये बनवा रहे हैं, तीर ये ले रहे हैं, चाय का प्लान कैंसिल हो गया शायद। सो गाइस फिलहाल खा चुके हैं हमारी प्यारी सी सीख, यहाँ की फेवरेट सीख है ये, मतलब ठंड में जो है ना ये चीज बहुत सही रहती है खाने में, सीख जो होती है। तो बाकी चाय का प्लान कैंसिल हो गया, तो ये खा के आगे के निकलते क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया, 44 हो गए और 4 मेरे पास हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए, 4 में हमें हॉस्पिटल पहुँचना है। बाकी आज अपनी फरारी थोड़ी सी गंदी हो गई है, चेक करो, रोड खराब थी जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, कोई नहीं साफ करेंगे फिर से हम, चलते। सो ये रही सीख, इसको देख के रहा नहीं जा रहा, बाद में बताऊंगा सीख कैसी होती है, अभी खा लेता हूँ। सो गाइस फिलहाल वहाँ से खाने के बाद 4 यहाँ से आगे निकल चुके हैं, और सामने बर्फ चेक करो, स्नोफॉल हो गया थोड़ा सा, अब तो इसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल ही होगा पूरा। तो यहाँ से शुपैया है शायद 40-42, देखते हैं शुपैया कितनी देर में पहुँचते, फिर उससे आगे भी बहुत सारा जाना है, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे कितना है उससे आगे भी, 8 से पहले पहुँचना, देखते हैं।
तो फाइनली गाइस 4:48 पे हम पहुंच चुके हैं शुपियान। 4:38 हो गए। सो यहाँ से आगे मैप लगाना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो हॉस्पिटल का मैप लगाते हैं। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं हाईवे के पास। इसको ढूंढ के तब से थक गया हूं मैं मैप लगा के, तो अभी जाके हाईवे पे पहुंचे। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है हाईवे की तरफ। बाकी सनसेट हो रहा है मस्त। टाइम बता दो, टाइम हो गए 6:00 तकरीबन। जी आ गई 4-way रोड। तो अब यहाँ पे रुकता हूँ, अच्छे से देखता हूँ यहाँ से लेफ्ट जाना है राइट जाना है। सो गाइस अभी ना गाड़ी मतलब पूरी 100 के स्पीड से बराबर चलेगी, क्योंकि रोड जो आप पूरी स्मूथ है, एकदम मजा आने वाला है। लेकिन मुस्टैंग जो है ना वो अलग ही लेवल की थी, उसको 130 पे लेके जा सकता था, इसको 100 से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। बाकी सनसेट को एंजॉय करो। साथ 7:24 पे जाके हमें ये हॉस्पिटल मिला। ये देखो शिफा मेडिकल सेंटर, बहुत मुश्किल से ढूंढा, कसम से कहाँ कहाँ नहीं पता किया, पता नहीं कितना टाइम लग गया। तो हम कहीं पर गाड़ी पार करता हूँ। तो फरारी अपने यहाँ पे पार कर दिए हमने, चलते हैं अंदर मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं। उसके बाद ना हम कामरान भाई के रूम में जाएंगे, पहले सारा काम यहाँ से निपटा लेते हैं, फिर बाद बताता हूँ हुआ क्या हमारे साथ आई सीन। सो गाइस मैं हॉस्पिटल के पिछली साइड आया, हमारी फरारी भी यहाँ पे पहुँच गई है। भाई आधे घंटे में चेक हो जाएगा, निकालनी भी है। इधर लगा देना 5 मिनट में निकल जाएगी। सीधा हाँ यहाँ पे लगा देना आधे घंटे। तू कहीं घुसा देगा, मैं कहाँ कहाँ से ढूंढूंगा इसका चाबी तो है, कहीं और कोई लगा के आगे तो फिर। और नंबर लग गया, आधे घंटे के अंदर चेक हो जाएगा। थैंक गॉड, मतलब हम इतना भूले ना, कम से कम 6:00 का पहुंचा हूँ मैं। घूम 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 के पता क्या, फ्लाई ओवर के ऊपर घूम रहा हूँ ऐसे 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 था, हॉस्पिटल नीचे था मेरे फॉल्ट है। तो गाइस अभी टाइम हो गया 8:20 और हॉस्पिटल के अंदर ये खा रहे हैं, बाकी खा और क्या करो, सभी लगेगा 1 घंटा और। तो गाइस अभी मैं आया था बाहर कुछ खाने के लिए, और श्रीनगर का सबसे बड़ा डिश एडवांटेजेस यही है, मतलब पूरा मार्केट बंद हो जाता है 7:00 से पहले सबसे बड़ा ये मतलब खराबा होता है। सो अभी ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, 61 नंबर है, 56 चल रहा है, 1.5 घंटा और लगने वाला है, देखते हैं क्या सीन रहता है। बैटरी भी फोन में 25% रह गई है। सो थोड़ी मशक्कत करने के बाद हमें एक शॉप खुली हुई मिल गई, तो यहाँ से ले लिया बादाम मिल्क, तो इसको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी, इतनी भूख लग रही है, दिन को कुछ नहीं खाया अभी तक। सो गाइस फिलहाल आ चुके हैं हॉस्पिटल से बाहर, 9:06 हो गए, और अभी जा रहे सीधा कामरान भाई के रूम पे, और सुबह फिर से बुलाया है, मतलब चेकअप हो गया है, सुबह टेस्ट होगी कुछ 2-3, तो उसके बाद देखते हैं मेडिसिन का क्या रहता है। तो यहाँ से 25 किलोमीटर है जहाँ पे कामरान भाई है, मतलब कंगन के लिए जा रहे हैं सीधा सुफा पर। हमें फटाफट अपनी फ्लाई को स्टार्ट करते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट ही करेंगे। और ह्यूज सर्दी लग रही है, इतनी ठंड हो रही ना, सोचा नहीं था इतनी ठंड होगी, जैकेट ही लाया, गाड़ी के अंदर घुसते हीटर लगाते हैं। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुका हूं भाई के रूम पे फिर से। तो अभी यहाँ पे जो है ना ठंड इतनी हो रही है ना, सीधा मैं मतलब कमल के अंदर ही घुसने वाला हूँ। ये देखो ना शेरा ठंड लगती है। ओ, ये देखो इसमें ठंड लग रही है। सो गाइस ये न्यू वार्ड है, एस वाला जो न्यू वार्ड है ये। सो अभी जो ना रात को यहीं पे रुकने वाले, तो आज का हमारा ये नन्ना सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, इस भाई के साथ में, इन भाइयों के साथ में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।